गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहनी। सो गाइस सबसे पहले सभी को जय माता दी। जैसे कि आज नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और आज से हम अपनी माता रानी के श्रृंगार, राधा रानी और कान्हा जी, लड्डू गोपाल सभी के श्रृंगार करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको माता रानी का श्रृंगार उनका वीडियो आपको के लिए स्पेशली मैंने बनाया है, क्योंकि ये श्रृंगार बहुत ही अच्छा हुआ है माता रानी का। बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी माता रानी, और देखते हैं हमारी माता रानी क्या क्या पहनती हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो पे वही पहने, ऐसा भी होता है कभी कभी मैं निकाल के रखती हूँ लेकिन वो पहनना कुछ और चाहती है तो वो ऑटोमेटिक फिर निकल करके वो पहन लेती है। तो इस टाइप से उनकी पोशाक है, ये उनकी ज्वेलरीज है। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, ज्वेलरी से लेकर के ड्रेसेस। तो चलिए मैं आपको श्रृंगार शेयर करती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर माता रानी को ये लहंगा पहना दिया है। लहंगा बहुत ही सुंदर है दिखने में, ये जितना आपको हैवी दिख रहा है ये उतना हैवी नहीं है, सिर्फ लेस इसमें लगी है, नॉर्मल सा कपड़ा है लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी माता रानी। और इनका ये ऑरेंज कलर का जो कलेक्शन है बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने पहले रेड का सोचा था पर ये ऑरेंज, और मैंने बताया ना कि जैसे हमेशा मैं रखती कुछ और हूँ पहनती कुछ और मेरी माता रानी, तो रेड की जगह इस बार इन्होंने ऑरेंज पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रही। अब हम इनका जो पटका है इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर कमरबंद पहना देंगे, जिससे कि उनका पटका जो है फिक्स हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर इनका कमरबंद है। तो ये देखिए, अब चलिए मैं इन्हें इनका नेकलेस पहना दे। तो चलिए हम नेकलेस पहना देते हैं अपनी माता रानी को। तो उनकी ईयर रिंग है इसी नेकलेस की सेट की है। यहाँ पर पूरा हम मैंने जो शेड बनाया हुआ है वो पूरा एक सा बनाया हुआ है। तो पहले हम इनको ईयर रिंग पहना देते हैं। तो ईयर रिंग से क्या होता है कि वो नेकलेस में फंसती नहीं है। तो सबसे पहले मैं ईयर रिंग पहना देती हूँ। मैं अपनी माता रानी को चोली नहीं पहनाती गई क्योंकि उनमें इतना स्पेस नहीं है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पहना दिया है इनको ईयर रिंग। अब हम इनको इनका ये जो गोल्ड वाला इनका बहुत ही सुंदर नेकलेस है उसे हम पहना देंगे। और बहुत ही ईजी है इसे पहनाना। और आज का जो श्रृंगार है वो बहुत ही सुंदर है। जब मेरी माता रानी तैयार हुई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए, मैंने उनको ये नेकलेस जो है पहना दिया है। ये देखिए, हम पीछे से जो उसमें मोती डला हुआ है उससे मैं सेट कर देती हूँ। वो मुझे ज़्यादा ईजी और सबसे कम्फर्टेबल लगता है माता रानी के लिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इन्हें पहना दिया है। इस प्रकार से हमारी माता रानी देखिए कितनी सुंदर लगने लगी। अब इन्हें हम यहाँ पर ये मोतियों वाला जो माला बनाया हुआ था मैंने गोल्ड कलर का, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी से मैंने बोला इनको थोड़ा सा एक लॉन्ग नेकलेस भी अच्छा लगेगा, तो मैंने ये माला ही बना दिया उनके लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है इनकी ज्वेलरी और इनकी ड्रेस से। तो ये देखिए, इस टाइप से मैंने इन्हें पहना दिया है। अब मैंने इनका ये मंगलसूत्र जो कि हमेशा मैं पहना करके रखती हूँ, तो ये मैं उन्हें पहले पहना देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से, इसमें भी वैसे ही मोती लगा हुआ है, मतलब पीछे तरफ हम मोती लगा के रखते हैं जिससे कि पहनाने में इजी हो और अच्छा भी लगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस टाइप से हम थोड़ा सा इसे सेट कर देते हैं, सेट कर देते हैं तो उससे थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। तो ये देखिए, और इनमें बहुत ही सुंदर है, इसमें मोतियाँ वगैरह लगी हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इन्हें पहना दिया है। तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। जैसे जैसे इनका श्रृंगार हो रहा है वैसे वैसे माता रानी सुंदर 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 होते जा रही हैं। अब ये देखिए, इनकी हेयर विग हमने यहाँ पर इन्हें लगा देंगे, जो कि ये हेयर विग का भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको लगा दिया है इनकी हेयर विग, बहुत ही सुंदर है इनकी हेयर विग। इनके साइड में हम बाद में एक थोड़ा सा हेयर भी निकाल देंगे। तो चलिए पहले मैं इनको चूड़ियाँ पहना देती हूँ, जो कि ऑरेंज कलर की है, इनके ड्रेस से मैच्ड है, तो वही हम इन्हें चूड़ियाँ पहना देती हूँ। तो मेरी माता रानी को मैं तीन हाथों पे ही पहना पाऊंगी, उसके बाद माता रानी के हैंड जो उनके अस्त्र शस्त्र की वजह से जुड़े हुए हैं तो मैं नहीं पहना पाती हूँ, लेकिन अगर आप पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। ये देखिए, मेरी रिंग वाली चूड़ियाँ हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे ही पहनाने में ज़्यादा सही समझ में आता है। ये देखिए, मैं इधर भी पहना दूँगी इस टाइप से, इस प्रकार से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये चूड़ियाँ पहनाने में। अब चलिए मैं यहाँ पर एक चूड़ी इनके हाथ पे जिसमें इन्होंने गदा लिया हुआ है उस पर हम इन्हें चूड़ी पहना देते हैं, वही ऑरेंज कलर की जो हमने पहनाई हुई है। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से हमारी माता रानी पहन लेती, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने हमने इन्हें पहना दिया है। अब इसके बाद हम इनका आगे का श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये इनके जो अस्त्र शस्त्र की वजह से ये जुड़े रहते हैं हाथ, तो हम पहना नहीं पाते हैं और ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं पहनाने की। जितना वो पहन लेती हम उन्हें आराम से पहना देते हैं। चलिए हम इनके थोड़ा सा बाल बना देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम थोड़ा सा बाल जो है इनके आगे रखेंगे, तो देखते हैं कितने बाल इनके आगे रखने हैं।
ये देखिए, तो मैंने इतने बाल निकाल दिए हैं, तो अब इस टाइप से हम उनके आगे रख देंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आज छुट्टी करने वाली थी, फिर मैंने बोला कि आज छुट्टी नहीं करते हैं इनके, आज इनको ये थोड़ा सा खुले बाल रखेंगे। अब चलिए मैं आगे का इनको श्रृंगार कर देती हूँ। तो ये देखिए मांग टीका इनका, इनकी ज्वेलरी का सेट का है, तो हम पहले मैं इनके मांग टीका सेट करेंगे, उसके बाद हम मुकुट लगाएंगे। और ये जो मांग टीका मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ गाइज, वो मैं ग्लू की हेल्प से ही सेट कर रही हूँ। ये देखिए, तो ग्लू की हेल्प से बहुत ईजिली सेट हो जाता है और इधर उधर हिलता नहीं है। ये देखिए, तो मैं अच्छे से पहले मांग टीका को सेट कर लूँगी। हमारी माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, आप भी इस टाइप से ज्वेलरीज बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी माता रानी की जो मांग टीका है वो सेट हो गई है। अब चलिए मैं यहाँ पर ये जो मुकुट है इनका वो पहना देती हूँ, जो कि मुकुट बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा गोल्ड टाइप का हमने लुक देने की कोशिश की है ज्वेलरी को। तो हम यहाँ पर बांध देंगे, क्योंकि मैंने बांधने वाला सिस्टम के बनाया था मुकुट को लेकर के। तो बांधने में क्या होता है, वो इजली आप अपने हिसाब से, साइज़ के हिसाब से बांध सकते हैं। ऐसा आप अपने हर विग्रह के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इसे पीछे से बांध दूँगी मुकुट को। देखिए, हमने मुकुट को बांध दिया है यहाँ पर पीछे, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, हमने मांग टीका को भी थोड़ा बेस मिल गया है मुकुट की वजह से, इस टाइप से हमारा मुकुट भी बन गया और हमारी मांग टीका भी अच्छे से सेट हो गई माता रानी के ऊपर। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर रिंग लगा दूँगी माता रानी को। तो इनके ही सेट की ही है ये सारी चीज़ें, मैंने कहीं अलग से नहीं लिया है। ये देखिए, तो मैं दो हाथों पे लगा दूंगी, मतलब फिंगर्स पे लगा दूंगी इस प्रकार से। ये देखिए, सारी चीज़ें मैं ग्लू से लगा रही हूँ, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं यूज़ की हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब चलिए मैं यहाँ पर इनको माता रानी को चुनरी उड़ा देती हूँ। चुनरी उड़ाने से पहले हम एक देख लेते हैं कि ये क्या क्या हमारी माता रानी ने पहन लिया है। तो ऑल ओवर सब चीज़ें पहन ली है, मुकुट भी पहन लिया है, चूड़ियाँ भी पहन ली है, कमरबंद भी पहन लिया, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पर चुनरी इन्हें उड़ा देती है। तो चुनरी मैंने इसी की बनाई हुई, मतलब नेट अलग से लेकर के ही मैंने बनाया हुआ था। मैं इस बार मार्केट की चुनरी नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इस लहंगे की ही सेट की ही बनाई थी, ऑरेंज से कलर की। उसमें मैंने गोटा लगा लिया था, जैसा कि मेरे लहंगे माता रानी के लहंगे पर लगा हुआ है। तो ये देखिए, इस टाइप से हमारी माता रानी की जो हेयर पे हम यहाँ पर टक कर देंगे पिन की हेल्प से, तो ये जो चुनरी है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने चुनरी को अच्छे से सेट कर दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ यहाँ साइड में मैंने फैला दिया है, जैसे कि हमारी चुनरी का भी थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा, हमारी माता रानी भी इससे और सुंदर लगने लगेंगी। तो इस प्रकार से हमारी माता रानी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। इनका लहंगा सच में आज बहुत, मुझे पर्सनली शायद बहुत बहुत पसंद आया इनका लहंगा। इनका पूरा श्रृंगार भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इस प्रकार से हमारी माता रानी तैयार हो गई। तो चलिए हम आपको माता रानी का पूरा व्यू दिखा देते हैं कि कैसी लग रही है हमारी माता रानी। तो ये देखिए, हमारी माता रानी का पूरा श्रृंगार जो है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। अब हम इन्हें इनके स्थान पर विराजमान करा देंगे। तो मुझे तो आप आज इनका श्रृंगार बहुत अच्छा लगा। आपको अगर इनका श्रृंगार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं इनकी लेटेस्ट फोटोज़ इस बार बहुत अच्छे से अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और करूँगी भी, डेफिनेटली करूँगी। गाइज, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए श्रृंगार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।